वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो Q4 के रिजल्ट हैं वो यहाँ पे अनाउंस कर दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो Q4 के रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं वो यहाँ पे कैसे हैं। आ जाते हैं यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे कैसा था वो यहाँ पे देख लेते हैं। जो वैल्यू दी गई है लैक्स में दी गई है, हमको इसको करोड़ में कन्वर्ट करना है। जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो यहाँ पे 4.18 करोड़ के आसपास है। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे कितना था, 3.17 करोड़। कितना था, 3.17 करोड़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.14 करोड़ के आसपास था। एक्सपेंसेस यानी टोटल जो एक्सपेंसेस हैं कंपनी के खर्चे हैं वो यहाँ पे कितने हैं, 2.86 करोड़। और लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे कितना था, 2.43 करोड़। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1.76 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी के खर्चे थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे कितना निकल के आया है, 1.32 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 74 लाख थे और लास्ट ईयर यहाँ पे 37 लाख थे सेम क्वार्टर में। अब बात करते हैं इसके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पे कितना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे निकल के आ रहा 93 करोड़ के आसपास। और लास्ट क्वार्टर कितने थे, 61 करोड़ के आसपास। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितने थे, 21 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जंप हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी जंप हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को अच्छी मिल रही है। तो नंबर यहाँ पे नो डाउट कंपनी के अच्छे हैं, पॉजिटिव वे में हैं। कल मार्केट खुलते हैं यहाँ पे ये स्टॉक कैसा रिएक्ट करेगा, वो यहाँ पे नंबर पे जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कैसे नंबर आए हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको नंबर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशन क्वार्टर 4 के रिजल्ट की पहुँचती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।